हमाद बिन जैद ने बयान किया उनसे ऐब सख्तिया ने उनसे मोहम्मद बिन सेरीन ने उन्होंने कहा कि अनस बिन मालिक ऱी अल्ला से पूछा गया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में कनूत पढ़ा है आप रजी अल्लाह ने फरमाया कि हाँ फिर पूछा गया कि क्या रुकू से पहले तो आपने फ़रमाया कि रुकू के बाद थोड़े दिनों तक सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार एक आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से कनूत के बारे में पूछा तो आप रदी अल्लाह ने फरमाया कि कुनूत कनूत हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ी जाती थी मैंने पूछा कि रुकू से पहले या उसके बाद आपने फरमाया कि रुकू से पहले आसिम ने कहा कि आप ही के हवाले से फ़ला शख्स ने ख़बर दी है कि आपने रुकू के बाद फ़रमाया था इसका जवाब हजरत हज़रतनस ने यह दिया कि उन्होंने गलत समझा रसूल सल्लाम ने रुकू के बाद सिर्फ एक महीना दुआ कनू पढ़ी थी हुआ ये था कि आप सह वसल्लम ने सहाबा रद्ह में से सत्तर कारियों के करीब मश्रकों की एक कौम बनी आमिर की तरफ से उनको तालीम देने के लिए भेजे थे ये लोग उनके सिवा थे जिन पर आपने बदुआ की थी इनमें और हज़रतलम के दरमियान अहद था लेकिन उन्होंने अहद शिकनी की और कारियों को मार डाला तो आजरत सल्ला एक महीने तक रुकू के बाद कनूत पढ़ते रहे उन पर बदुआ करते रहे सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार दो जायदा ने बयान किया उन से तयमी ने उनसे अबू मुजलिस ने उनसे अनस बिन मालिक रज़लों ने कि नबी करीम सल्हु वसम ने एक महीने तक दुआ कनू पढ़ी और इसमें कबाइल राल ज़ुबान पर बद की थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार तीन खालिद हज़ा ने ख़बर दी उन्हें अबू कलाबा ने उन्हें अनस बिन मालिक ऱ अल्लाहों ने आपने फरमाया क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कुनूत मगरिब और फजर में पढ़ी जाती थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार चार सूरी ने अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से बयान किया उनसे इबाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन जैद ने कि नबी करीम अलैहि वसल्लम पानी की दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए और अपनी चादर उल्टाई सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार पांच अबू जनाद ने बयान किया उनसे आरज ने बयान किया उनसे अबू हुरेरा कि नबी करीम सल्लासम जब सरे मुबारक आखिरी रकत के रुकू से उठाते तो यूं फरमाते हैं या याश बिन अबी रबिया को छुड़वा दे या सलमा बिन हशाम को छुड़वा दे या अल्लाह वलीद बिन वलीद को छुड़वा दे या अल्लाह बेबस नातवानों मुसलमानों को छुड़वा दे या अल्लाह मज़र के काफरों को सख्त पकड़ या अल्लाह इनके साल यूसुफ़ के से साल कर दे और हजरत ने फरमाया ग़फ्फ़ार की कौम को अल्लाह ने बख्श दिया और असलम की कौम को अल्लाह ने सलामत रखा इबन अबी जनाद ने अपने बाप से सुबह की नमाज में यही दुआ नक़ल की सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सूरी ने बयान किया उनसे सुलेमान आमश ने उनसे अबू दोहा ने उनसे से मसरूक ने उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद ने दूसरी सनद हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने मंसूर बिन मसूद बिन मोतमर से बयान किया और उनसे अबू अबूदहा ने उनसे मसरूक ने उन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह की खिदमत में बैठे हुए थे आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़्ारेश की सरकशी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद दुआ की किए अल्लाह सात बरस का कहत इन पर भेज जैसे यूसुफ़ सलाम के वक्त में भेजा था चनाचा ऐसा कहत पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मुर्दार तक खा लिए भूख की शिद्दत का ये आलम था कि आसमान की तरफ नज़र उठाई जाती तो धुएं की तरह मालूम होता था आखिर मजबूर होकर अबू सुफियान हाजिर खदमत हुए और अर्ज़ किया कि आय मोहम्मद सल्ला वसलम आप लोगों को अल्लाह के इतात और सिला रहमी का हुक्म देते हैं अब तो आप ही की कौम बर्बाद हो रही है इसलिए आप खुदा से इनके हक में दुआ कीजिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन का इंतजार कर जब आसमान साफ धुआं नजर आएगा आयत इन न कुम आयदू जब तक ने सख्ती से इनकी गिरफ्त करेंगे कुफार की सख्त गिरफ्त बदर की लड़ाई में हुई धुएं का भी मामला गुजर चुका जब सख्त कहद पड़ा था जिसमें पकड़ और कैद का जिक्र है और वो सब हो चुके इसी तरह सूर रूम की आयत में जो जिक्र है वो भी हो चुका सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सात अबू कतेबा ने बयान किया कहा कि हमसे अब्दुलरहमान बिन अब्दुल्ला बिन दिनार ने उनसे उनके वालिद ने कहा कि मैंने इबने उमर रज को अबू तालिब का ये शेर पढ़ते सुना था तर्जुमा गोरा उनका रंग उनके मुंह के वास्ते से बारिश की अल्लाह से दुआ की जाती है यतीमों की पनाह और बेवाओं के सहारे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ ने अपने वालिद से बयान किया वो कहा करते थे कि अक्सर मुझे शायर अबू तालिब का शेर याद आ जाता है मैं नबी करीम अलैहि वसल्लम के मुंह को देख रहा था कि आप दुआ इस तस्का मिंबर पर कर रहे थे और अभी दुआ से फारिग होकर उतरे भी नहीं थे कि तमाम नाले लबरेज हो गए शेर का तर्जुमा गोरा रंग उनका लोग पानी मांगते हैं उनके मुंह के सदके से वो हामी यतीमों बेवाओं के ये कौल शेर अभी तालिब का है सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ अब्दुल्ला बिन मसना ने बयान किया उनसे समामा बिन अब्दुल्लह बिन अनस रज़ी ने उनसे से अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ने कि जब हज़रत उमर रद्ह के ज़माने में कहत पड़ता, तो उमर रज़ी अल्लाह तन हो हज़रत अब्बास बिन अब्दुलमतब रज़ा के वसीले से दुआ करते और फ़रमाते कि अय अल्ला पहले हम तेरे पास अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लाया करते थे तो तू पानी बरसाता था अब हम अपने नबी करीम सल्लाम के चचा को वसीला बनाते हैं तो तू हम पर पानी बरसा अनस रजी अल्लाह ने कहा कि चुनाचा बारिश खूब ही बरसती सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार दस शोएब ने खबर दी उन्हें मोहम्मद बिन अबी बकर ने उन्हें इबाद बिन तमीम ने उन्हें अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ने कि नबी करीम सल्लाम ने दुआए इस तस्का की तो अपनी चादर को भी उल्टा सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार ग्यारह सफियान बिन आइना ने अबल्लाह बिन अबी बकर से बयान किया उन्होंने बाद बिन तमेम से सुना वो अपने बाप से बयान करते थे कि उनसे उनके चचा अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्ह वसलम ईदगाह गए आपने वहां दुआ इस तस्का कबला रू होकर की और आपने चादर भी पलटी और दो रकत नमाज पढ़ी अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रमतल कहते हैं कि इबन आयना कहते थे कि हदीस के ये रावी अब्दुल्ला बिन जैद वही हैं जिन्होंने अज़ान ख्वाब में देखी थी लेकिन ये उनकी ग़लती है क्योंकि ये अब्दुल्ला अब्न जैद बिन आसिम माजनी है जो अंसार के कबीला माजन से थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार बारह अब्दुल्लाह बिन अबी नमर ने बयान किया कि उन्होंने अनस बिन मालिक रजों से सुना आपने एक शख्स काब बिन मरा अबू सुफियान का जिक्र किया जो मिंबर के सामने वाले दरवाजे से जुम्मे के दिन मस्जिद नबवी में आया रसूल ल्ला ल्ला वसल्लम खड़े हुए खुतबा दे रहे थे उसने भी खड़े खड़े रसूल्लाम से कहा या रसूल सल्ला सल बारिश न होने से जानवर मर गए और रास्ते बंद हो गए आप अल्लाह ताला से बारिश की दुआ फरमाइए उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने यह कहते ही हाथ उठा दिए आप वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह हमें सैराब कर अल्लाह हमें सैराब कर अल्लाह हमें सैराब कर अनसरद अल्लाह उन्होंने कहा बखुदा कहीं दूर दूर तक आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता था और न कोई और चीज हवा वगैरह जिससे मालूम हो कि बारिश आएगी और हमारे और सलाह पहाड़ के दरमियान कोई मकान भी न था कि हम बादल होने के बावजूद न देख सकते हों पहाड़ के पीछे से ढाल के बराबर बादल नमूदार हुआ और बीच आसमान तक पहुंचकर चारों तरफ फैल गया और बारिश शुरू हो गई खुदा की कसम हमने सूरज एक हफ्ते तक नहीं देखा फिर एक शख्स दूसरे जुम्मे को उसी दरवाजे से आया अल्लाह वसल्लम खड़े हुए खुतबा दे रहे थे उस शख्स ने फिर आपको खड़े खड़े ही मुखातिब किया कि या रसूल ल्ला ल्ला वसल्लम बारिश की कसरत से माल मनाल पर तबाही आ गई और रास्ते बंद हो गए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बारिश रोक दे फिर रसूल अल्लाह वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ की कि या अब हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हमसे इसे रोक दे टीलों पहाड़ों पहाड़ियों वादियों और बागों को सैराब कर उन्होंने कहा कि इस दुआ से बारिश ख़त्म हो गई और हम निकले तो धूप निकल चुकी थी शरीक ने कहा कि मैंने अनसरद्हों से पूछा कि यह वही पहला शख्स था तो उन्होंने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार तेरह बिन जाफर ने बयान किया उनसे शरीक ने बयान किया उनसे हजरत अनस बिन मालिक रजियो ने कि एक शख्स जुम्मे के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ अब जहां दारुल दारुलजा है उसी तरफ के दरवाजे से वो आया था रसूल ल्लाह खड़े हुए खुतबा दे रहे थे उसने भी खड़े खड़े रसूल वसल्लम को मुखातिब किया कहा कि या रसूल वसल्लम जानवर मर गए और रास्ते बंद हो गए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम पर पानी बरसाए अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई ए अल्लाह हम पर पानी बरसा ए अल्लाह हमें सैराब कर अनसरद अल्लाह ने कहा खुदा की कसम आसमान पर बादल का कहीं निशान भी न था और हमारे और सला पहाड़ के बीच में मकानात भी नहीं थे इतने में पहाड़ के पीछे से बादल नमूदार हुआ ढाल की तरह आसमान के बीच में पहुंचकर कर चारों तरफ फैल गया और बरसने लगा खुदा की कसम हमने एक हफ्ते तक सूरज नहीं देखा फिर दूसरे जुमे को एक शख्स उसी दरवाजे से दाखिल हुआ वसल्लम खड़े खुतबा दे रहे थे इसलिए उसने खड़े खड़े कहा या रसूल्लाह वसल्लम कसरत बारिश से जानवर तबाह हो गए और रास्ते बंद हो गए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बारिश बंद हो जाए रसूल्ला वसल्लम ने दोनों हाथ उठा दुआ की ए अल्लाह हमारे अतराफ़ में बारिश बरसा जहाँ ज़रूरत है हम पर ना बरसा ए अल्लाह टीलों पहाड़ियों वादियों और बागों को सैराब कर चनाचा बारिश का सिलसिला बंद हो गया और हम बाहर आए तो धूप निकल चुकी थी शरीक ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रजा से दरियाफ्त किया कि क्या यह पहला ही शख्स था उन्होंने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार कतादा ने बयान किया उनसे अनस बिन मालिक रदी ने कि रसूल जुमे के दिन खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स आया और अर्ज किया कि या रसूल पानी का कहद पड़ गया है अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें सैराब कर दे आपने दुआ की और बारिश इस तरह शुरू हुई कि घरों तक पहुँचना मुश्किल हो गया दूसरे जुमे तक बराबर बारिश होती रही अनस ने कहा कि फिर दूसरे जुमे में वही शख्स या कोई और खड़ा हुआ और अर्ज किया कि या रसूल वसल्लम दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश का रुख किसी और तरफ मोड़ दे सल्लल्लाहु लाह अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा हम पर न बरसा अनस ने कहा कि मैंने देखा बादल टुकड़े टुकड़े होकर दाएं बाएं तरफ चले गए फिर वहां बारिश शुरू हो गई और मदीने में इसका सिलसिला बंद हुआ सही बुखारी हदीस नंबर इमाम मालिक ने बयान किया उनसे बिन बिन कि आदमी रसूल करीम सल वसलम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि जानवर हलाक हो गए और रास्ते बंद हो गए आपने दुआ की और एक हफ्ते तक बारिश होती रही फिर एक शख्स आया और अर्ज किया कि बारिश की कसरत से घर गिर गए रास्ते बंद हो गए चुनाचा आपने फिर खड़े होकर दुआ की कि अल्लाह बारिश टीलों पहाड़ियों वादियों और बागों में बरसा दुआ के नतीजे में बादल मदीने से इस तरह फट गए जैसे कपड़ा फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सोलह इमाम मालिक ने बयान किया उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्ला बिन अबी नमर के वास्ते से बयान किया उनसे हज़रत अनस बिन मालिक रज अल्लाहों ने कहा कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुआ अर्ज की या रसूल सल्लाम मवेशी हलाक हो गए और रास्ते बंद हो गए आप अल्लाह तला से दुआ कीजिए रसुल्ला ने दुआ फरमाई तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक बारिश होती रही फिर दूसरे जुमे को एक शख्स हाजिर खदमत हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत बारा से बहुत से मकानात गिर गए रास्ते बंद हो गए और मवेशी हलाक हो गए अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह पहाड़ों टीलों वादियों और बागात की तरफ बारिश का रुख कर दे जहाँ बारिश की कमी है चुनाचा आप वसल्लम की दुआ से बादल कपड़े की तरह फट गया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सत्रहआफ़ी बिन इमरान ने बयान किया कि उनसे इमाम ओ ने उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन नबी तलहा ने उनसे अनस बिन मालिक रदी अल्लाहों ने बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम सहद से, से माल की बर्बादी और अहल की भूख की शिकायत की चुनाचा आप ने इस तस्का की। रावी ने इस मौके पर न चादर पलटने काम्बर का। एक हजार अठारह इमाम मालिक रजियाल्लाक बिन अब्दुल्ला बिन अमी नमर के वास्ते से खबर दी और उन्हें अनस बिन मालिक रजिय एक शख्स रसूल अल्लाह वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ अर्ज किया या रसूल अल्लाह कहत से जानवर हलाक हो गए और रास्ते बंद अल्लाह से दुआ कीजिए चुनाचा आप वसल्लम ने दुआ की और एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक एक हफ्ते तक बारिश होती रही फिर एक शख्स ने वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल बारिश की कसरत से रास्ते बंद हो गए और मवेशी हलाक हो गए अब वसल्लम ने यह दुआ की कि अल्लाह बारिश का रुख पहाड़ों टीलों वादियों और बागात की तरफ मोड़ दे चनाचा बादल मदीने से इस तरह छट गया जैसे कपड़ा फट जाया करता है सही बुखारी हदीस एक हजार उन्नीस मंसूर और आमश ने बयान किया उनसे अबू जुहा ने उनसे मसरूख ने आपने कहा कि मैं इब्न मसूद रदील्ल तह की खिदमत में हाजिर था आपने फ़रमाया किश का इस्लाम से एराज बढ़ता गया तो नबी करीम सल्हु वसम ने उनके हक़ में बद दुआ की इस बदुआ के नतीजे में ऐसा कहत पड़ा कि कुफ़ार मरने लगे और मुर्दार और हड्डियाँ खाने लगे आखिर अबू सफियन आप सल्हुह वसलम की ख़दमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया अय मोहम्मद सल्हुह व्म आप रहमी का हुक्म देते हैं लेकिन आपकी कौम मर रही है अल्लाह अज्ज से दुआ कीजिए आपने इस आयत की तलावत की तर्जुमा उस दिन इंतज़ार कर जब आसमान पर साफ खुला हुआ धुआँ नमदार होगा अल-आया। खैर आपने दुआ की बारिश हुई कह जाता रहा लेकिन वो फिर कुफर करने लगे इस पर अल्लाह पाक का ये फरमान नाजिल हुआ तर्जुमा जिस दिन हम उन्हें सख्ती के साथ पकड़ करेंगे और ये पकड़ बदर की लड़ाई में हुई और इस बात बिन मोहम्मद ने मंसूर से बयान किया कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने दुआए इस्तिस्का की मदीने में जिसके नतीजे में खूब बारिश हुई कि सात दिन तक वो बराबर जारी रही आखिर लोगों ने बारिश की ज्यादती की शिकायत की तो ने दुआ की कि अय अल्लाह हमारे अतराफ़ानब में बारिश बरसा मदीने में बारिश का सिलसिला ख़त्म कर चनाचा बादल आसमान से छट गया और मदीने के इर्द गिर्द खूब बारिश हुई सही बुखारी हदीस हज़ार बीस मोत्मर बिन सुलेमान ने नेबैदुल्ला उमरी से बयान किया उनसे साबित ने उनसे अनसबिन मालिक रदी अल्लाह ने कि रसूल सल्ला जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे के इतने में लोगों ने खड़े होकर गुल मचाया कहने लगे कि या अल्लाह बारिश के नाम बूंद भी नहीं दरख्त सुर्ख हो चुके यानी तमाम पत्ते खुश्क हो गए तो जानवर तबाह हो रहे हैं आप वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें सैराब करे आपने दुआ की कि अय अल्लाह हमें सैराब कर दो मरतबा आपने इस तरह कहा कसम खुदा की उस वक्त आसमान पर बादल कहीं दूर दूर नज़र नहीं आता था लेकिन दुआ के बाद अचानक एक बादल आया और बारिश शुरू हो गई आप मिंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई जब आप नमाज से फारे हुए तो बारिश हो रही थी और दूसरे जुमे तक बारिश बराबर होती रही फिर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जुमे में खुतबे के लिए खड़े हुए तो लोगों ने बताया कि मकानात मनहदम हो गए और रास्ते बंद हो गए अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश बंद कर दे इस पर नबी करीम अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और दुआ की ए अल्लाह हमारे अतराफ़ में अब बारिश बरसा मदीने में इसका सिलसिला बंद कर आप वसल्लम की दुआ से मदीने से बादल छट गए और बारिश हमारे इर्द गिर्द होने लगी इस शान से कि अब मदीने में एक बूंद भी न पड़ती थी मैंने मदीने को देखा अबर ताज की तरह गर्दा गर्द था और मदीना उसके बीच में सही बुखारी हदीस हज़ार इक्कीस अबू नईम फजल बिन डन ने बयान किया उनसे जुबैर ने उनसे अबू इसहाक ने कि अब्दुल्लाह बिन यजीद अंसारी रजी अल्लाह इस तस्का के लिए बाहर निकले उनके साथ बरा बिन आजिब और जैद बिन अरकम रजी अल्लाह भी थे उन्होंने पानी के लिए दुआ की तो पाऊ पर खड़े रहे मेंबर न था उसी तरह आपने दुआ की फिर दो रकत नमाज पढ़ी जिसमें करत बुलंद आवाज से की ना अजान कही और ना कामत अबू इसहाक ने कहा अब्दुल्लाह बिन यजीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार बाईस शोएब ने खबर दी उन्हें ज़ाहरी ने उन्होंने कहा कि मुझसे इबाद बिन तमीम ने बयान किया कि उनके चचा अब्दुल्ला बिन जैद ने जो सहाबी थे उन्हें खबर दी कि नबी करीम वसल्लम लोगों को साथ लेकर इस तस्का के लिए निकले और आप खड़े हुए और खड़े ही खड़े अल्लाह ताला से दुआ की फिर कबले की तरफ मुँह करके अपनी चादर पलटी चुनाचा बारिश खूब हुई सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार तेईस इबन अबीज़ाब ने ज़हरी से बयान किया उनसे इबाद बिन तमेम ने और उनसे उनके चचा अब्दुल्ला बिन जैद ने कि नबी करीम सल्लास इस तस्का के लिए बाहर निकले तो कबला रू होकर दुआ की फिर अपनी चादर पलटी और दो रकत नमाज पढ़ी नमाज में आपने करत कुरान बुलंद आवाज से की सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार चौबीस इब्न अबी जाब ने ज़हरी से बयान किया उनसे इबाद बिन तमईम ने उनसे उनके चचा अब्दुल्ला बिन जैद ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल सल्हु वम इस तस्का के लिए बाहर निकले देखा था उन्होंने बयान किया कि आपने अपनी पीठ सहाबा की तरफ कर दी और तबला रुख होकर दुआ की फिर चादर पलटी और दो रकत नमाज़ पढ़ाई जिसकी करत कुरान में आपने जहर किया था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पच्चीस बिन आइना ने अब्दुल्ला बिन अबी बकर से बयान किया उनसे इबाद बिन तमैम ने उनसे उनके चचा अब्दुल्ला बिन जैद रदी ने कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने दुआए इस्तस् की तो दो रकत नमाज पढ़ी और चादर पलटी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छब्बीस सूफियान बिन आयना ने अब्दुल्लह अबिन अबी बकर से बयान किया उन्होंने इबाद बिन तमीम से सुना और इबाद ने अपने चचा अब्दुल्ला बिन जैद रदी अल्लाहों से बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम दुआए इस के लिए ईदगाह को निकले और तबला रुख होकर दो रकत नमाज पढ़ी फिर चादर पलटी सफियान सूरी ने कहा मुझे अब्दुलरहमान बिन अब्दुल्लह मसूदी ने अबू बकर के हवाले से ख़बर दी कि आपने चादर का दाहना कोना बाएं कंधे पर डाला सही बुखारी एक हजार सत्ताईस सकफी ने खबर दी उन्होंने कहा कि हमें यहाजा बिन सईद अंसारी ने हदीस बयान की कहा कि मुझे अबू बकर बिन मोहम्मद बिन उमरो बिन हजम ने खबर दी कि इबाद बिन तमेम ने उन्हें खबर दी और उन्हें अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी ने बताया कि नबी करीम वसल्लम इस्तस्का के लिए ईदगाह की तरफ निकले वहां नमाज पढ़ने को जब आप दुआ करने लगे या रावी ने यह कहा दुआ का इरादा किया तो किबला रू होकर चादर मुबारक पलटी अबू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन जैद माजनी हैं और इससे पहले बाबु दुआ फिल इसका में जिनका जिक्र गुजरा वो अब्दुल्लाह बिन जैद हैं कूफा के रहने वाले सही बुखारी हदीस नंबर एक अच्छा। अबू बकर बिन अबी अवैस ने बयान किया उन्होंने सुलेमान बिन बिलाल से बयान किया कि यहाया बिन सईद ने कहा मैंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अनहों से सुना उन्होंने कहा कि एक बदवी गांव का रहने वाला जुमे के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह भूख से मवेशी तबाह हो गए आयाल और तमाम लोग मर रहे हैं इस पर नबी करीम सल्लाम ने हाथ उठाए और लोगों ने भी आपके साथ अपने हाथ उठाए दुआ करने लगे अनसरद अल्लाह ने बयान किया कि अभी हम मस्जिद से बाहर निकले भी न थे कि बारिश शुरू हो गई और एक हफ्ता बराबर बारिश होती रही दूसरे जुम्मे में फिर वही शख्स आया और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह बारिश होने से मुसाफिर घबरा गए और रास्ते बंद हो गए बशका बमानी मल सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार उनतीस मोहम्मद बिन जाफर ने बयान किया उनसे याहिया बिन सईद और शरीक ने उन्होंने कहा कि हमने अनसरद्ह से सुना कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इस तस्का में दुआ करने के लिए इस तरह हाथ उठाए कि मैंने आपकी बगलों की सफेदी देख ली सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार तीस याहजा बिन सईद कतान और मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन आदि बिन औरबा ने बयान किया उनसे सईद ने उनसे कतादा और उनसे अनस बिन मालिक रद्हों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तस्का के सिवा और किसी दुआ के लिए हाथ ज्यादा नहीं उठाते थे और इस तस्का में हाथ इतना उठाते कि बगलों की सफेदी नजर आ जाती सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार इकतीस उम्री ने नाफे से खबर दी उन्हें कासिम बिन मोहम्मद ने उन्हें आयशा अनहा ने कि जब बारिश होती देखते तो ये दुआ करते नफा बख्शने वाली बारिश बरसा इस रिवायत की मुताबिक कासिम बिन याहजा ने अब्दुल्लामरी से की और इसकी रिवायत औजाई और अकील ने नाफे से की है सही बुखारी इसहाब्दुल्लासारीस बिन, बिन, बिन मालिक रज अल्लाह ने बयान किया कि रसूल ज़माने में लोगों पर एक दफा कहत पड़ा इन्हीं दिनों आप वसल्लम जुमे के दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह जानवर मर गए और बाल बच्चे फाके पर फाके कर रहे हैं अल्लाह से दुआ कीजिए कि पानी बरसाए अनसरदों ने बयान किया कि रसूल वसल्लम ने ये सुनकर दुआ के लिए दोनों हाथ उठा दिए आसमान पर दूर दूर तक अब्र का पता तक नहीं था लेकिन आपकी दुआ से पहाड़ों के बराबर बादल गरजते हुए आ गए अभी हुजूर अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आपकी दाढ़ी से बह रहा है अनस ने कहा कि उस रोज बारिश दिन भर होती रही दूसरे दिन तीसरे दिन भी और बराबर इसी तरह होती रही इस तरह दूसरा जुमा आ गया फिर यही बदवी या कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत बारां से इमारतें गिर गईं और जानवर डूब गए हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए चनाचा रसूल अलैहि वसल्लम ने फिर दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ए अल्लाह हमारे अतराफ में बरसा और हम पर न बरसा हजरत अनस ने कहा कि हुजूर अकरम हजूर अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आसमान की जिस तरफ भी इशारा कर देते अबर उधर से फट जाता अब मदीना हाउस की तरह बन चुका था और इसके बाद वादिय कनात का नाला एक महीने तक बहता रहा हजरत अनस रद्ला ने बयान किया कि उसके बाद मदीने के इर्द गिर्द से जो भी आया उसने खूब सैराबी की खबर सुनाई सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार तैतीस मोहम्मद बिन जाफर ने खबर दी उन्होंने कहा मुझे हमीद तवील ने खबर दी और उन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्ला से सुना उन्होंने बयान किया कि जब तेज हवा चलती तो हजूर अक्रम मुबारक पर डर महसूस होता था सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार चौतीस शोबा ने हकम से बयान किया उनसे मुजाहिद ने उनसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह ने कि नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पुरवा हवा के जरिए मदद पहुंचाई गई और कौम आद पिछवा के जरिए हलाक कर दी गई थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार पैतीस अबू जनाद अब्दुल्लाह बिन जकवान ने बयान किया उनसे अब्दुल रहमान बिन हरमजा अरज़ ने उनसे अबू हुरेरा रजी अल्लाह ने बयान किया के कि नबी करीम सल्ह वसलम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक इल्म दीन न उठ जाएगा और जलजलों की कसरत न हो जाएगी और ज़माना जल्दी जल्दी न गुजरेगा और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और हरज की कसरत हो जाएगी और हरज से मुराद कत्ल है कत्ल और तुम्हारे दरमियान दौलत और माल की इतनी कसरत होगी कि वो उबल पड़ेगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छत्तीस अब्दुल्लाह बिन ओन ने बयान किया उनसे नाफ़े ने बयान किया उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रद्ला ने फरमाया हमारे शाम और यमन पर बरकत नाजिल फ़रमा इस पर लोगों ने कहा और हमारे नजद के लिए भी बरकत की दुआ कीजिए लेकिन आपने फिर वही कहा अल्लाह हमारे शाम और यमन पर बरकत नाजिल फ़रमा फिर लोगों ने कहा और हमारे नजद में तो आपने फरमाया कि वहां तो जलजले और फितने होंगे और शैतान का सींग वहीं से तुलू होगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सैतीस इमाम मालिक ने सालेह बिन कैसान से बयान किया उनसे बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने बयान किया उनसे जैद बिन खालिद जहानी रदी अल्लाहों ने बयान किया कि नबी करीम सल वसलम ने उदेबिया में हमको सुबह की नमाज पढ़ाई रात को बारिश हो चुकी थी नमाज के बाद आप लोगों की तरफ मुतव हुए और फरमाया मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फैसला किया है लोग बोले कि अल्लाह ताला और उसके अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं आप वसल्लम ने फरमाया परवरदिगार फरमाता है आज मेरे दो तरह के बंदों ने सुबह की एक मोमिन है एक काफिर जिसने कहा अल्लाह के रहम से पानी पड़ा वो तो मुझ पर ईमान लाया और सितारों का मुनकर हुआ और जिसने कहा फला तारे के फला जगह आने से पानी पड़ा उसने मेरा कुफ्र किया तारों पर ईमान लाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार अड़तीस अब्दुल्ला बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्ला बिनुमर रदी ने कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की पांच कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है लड़का या लड़की कल क्या करना होगा इसका किसी को इल नहीं न कोई ये जानता है कि उसे मौत किस जगह आएगी और न किसी को ये मालूम कि बारिश कब होगी सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार उनतालीस इमाम हसन बसरी ने बयान किया उनसे अबू बकरा नफी बिन हारिस ने कि हम नबी करीम सल्लाम की खिदमत में हाजिर थे कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ नबी करीम सल्हु वसलम उठकर जल्दी में चादर घसीटते हुए मस्जिद में गए साथ ही हम भी गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो रकत नमाज पढ़ाई ताकि सूरज साफ हो गया फिर आपने फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत और हलाकत से नहीं लगता लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो उस वक्त नमाज और दुआ करते रहो जब तक ग्रहण खुल ना जाए सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार चालीस इब्राहिम बिन हमीद ने ख़बर दी उन्हें इसमाइल बिन अबी ख़ालिद ने उन्हें क़ैस बिन अबी हाजिम ने और उन्होंने कहा कि मैंने अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाहों से सुना कि नबी करीम सल्हुसम ने फरमाया सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार इकतालीस असबख बिन फराह ने बयान किया उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्ला बिन वहाब ने ख़बर दी उन्होंने कहा कि मुझे उमरो बिन हारिस ने रहमान बिन कासिम से खबर दी उन्हें उनके बाप कासिम बिन मोहम्मद ने और उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदील्ला नबी करीम सल वसलम से खबर दी क्या आपने फरमाया सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत और जिंदगी से नहीं लगता बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं इसलिए जब तुम ये देखो तो नमाज पढ़ो सही बुखारी हदीस नंबर बयालीस जयाद बिन अलाका ने बयान किया उनसे हजरत मुगैरा बिन शौबा रद्ला रसूल सल्लासलम के जमाने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन आप वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रजाल का इंतकाल हुआ बाज लोग कहने लगे कि ग्रहण हज़रत इब्राहिम रज अल्लाह की वफ़ात की वजह से लगा है इसलिए रसूल ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत और हयात से नहीं लगता अलबत् तुम जब इसे देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो सही बुखारी हदीस नंबर एक औरवा बिन जुबैर ऱी अल्लाह ने बयान किया उनसे उमुलमोमिनज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लास के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई पहले आप खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे लेकिन आपके पहले कयाम से कुछ कम फिर रुकू किया तो बड़ी देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले से मुख्तर फिर सजदे में गए और देर में सजदे की हालत में रहे दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग हुए तो ग्रहण खुल चुका था इसके बाद आप ने खुतबा दिया अल्लाह त हमदोसना के बाद फरमाया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं और किसी की मोत व्यात से इनमें ग्रहण नहीं लगता जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो अल्लाह से दुआ करो तकबीर कहो और नमाज पढ़ो और सदका करो फिर आपने फरमाया अय मोहम्मद सल असलम की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बंदा या बंदी जिना करे अये उम्मत मोहम्मद सल असलम वल्लाह जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार बिन सलाम बिन अबी सलाम व मशकी ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे यहया बिन अबी कसीर ने बयान किया उन्होंने कहा कि मुझे अबू सलमा बिन रहमान बिन औफ ज़हरी ने ख़बर दी उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो ये ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पैंतालीस अकील ने बयान किया उनसे इब्ने शहाब ने दूसरी सनद और मुझसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया कि हमसे अम्बसा बिन खालिद ने बयान किया कहा कि हमसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया उनसे से शहाब ने उन्होंने कहा कि मुझसे और वन नबी करीम सल्ह वसलम की जोज मुताहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ारद्ला से बयान किया कि नबी करीम सला वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा उसी वक्त आप वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लिए गए उन्होंने बयान किया कि लोगों ने हजूर अक्रम स पीछे सफ़ बांधी आपने तकबीर कही और बहुत देर क़ुरान मजीद पढ़ते रहे फिर तकबीर कही और बहुत लंबा रुकू किया फिर समय अल्लान हमेदा कहकर खड़े हो गए और सजदा नहीं किया रुकू से उठने के बाद फिर बहुत देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे लेकिन पहली करत से कम फिर तकबीर के साथ रुकू में चले गए और देर तक रुकू में रहे ये रुकू भी पहले रुकू से कम था अब समय अल्लाह लिमन हमेदा और रबना वलकल हमद कहा फिर सजदे में गए आपने दूसरी रकत में भी इसी तरह किया इन दोनों रकतों में पूरे चार रुकू और चार सजदे किए नमाज़ से फारि होने से पहले ही सूरज साफ हो चुका था नमाज के बाद अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा फरमाया और पहले अल्लाह ताला की उसकी शान के मुताबिक तारीफ़ की फिर फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह की दो निशानियां हैं इनमें ग्रहण किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं लगता लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फौरन नमाज की तरफ लपको ज़ाहरी ने कहा कि कसीर बिन अब्बास अपने भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते थे वो सूरज ग्रहण का कस्सा इस तरह बयान करते थे जैसे औरवा ने हज़रत आयशा सिद्दीक रद्ह से नकल किया ज़ाहरी ने कहा मैंने औरवा से कहा तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जिस दिन मदीने में सूरज ग्रहण हुआ सुबह की नमाज की तरह दो रकत पढ़ी और कुछ ज़्यादा नहीं किया उन्होंने कहा हां मगर वो सुन्नत के तरीक से चूक गए सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार छियालीस बिन जुबैर ने खबर दी और उन्हें नबी करीम वसल्लम की सोजह मुताहर हजरत आयशा सिद्दीक ने खबर दी कि जिस दिन सूरज में खसूफ ग्रहण लगा तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई आप खड़े हुए तकबीर कही फिर देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे लेकिन इसके बाद एक तवील रुकू किया रुकू से सर उठाया तो कहा समय अल्लाह लेन हमिदा फिर आप पहले ही की तरह खड़े हो गए और देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे लेकिन इस मरतबा की करत पहले से कुछ कम थी फिर आप सजदे में गए और बहुत देर तक सजदे में रहे फिर दूसरी रकत में भी आपने इसी तरह किया फिर जब आपने सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था नमाज से फारग होकर आपने खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चांद का कसोफ ग्रहन अल्लाह ताला की एक निशानी है और इनमें खसूफ ग्रहन किसी की मौत और जिंदगी पर नहीं लगता लेकिन जब तुम इसे देखो तो फौरन नमाज के लिए लपको सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सैतालीस हमद बिन जैद ने बयान किया उनसे यूनुस बिन उबैद ने उनसे इमाम हसन बसरी ने उनसे अबू बकरारन्हों ने कि रसूल सल्लाम ने फरमाया सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत हयात से इनमें ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है अब्दुलवारी शोबा खालिद बिन अब्दुल्ला और हमाद बिन सलमा इन सब हाफ़ों ने यूनस से ये जुमला कि अल्लाह इनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है बयान नहीं किया और यूनुस के साथ इस हदीस को मूसा ने मुबारक बिन फजाला से उन्होंने इमाम हसन बसरी से रिवायत किया उसमें यूं है कि अबू बकरा ने आ अलैहि वसलम से सुनकर मुझको ख़बर दी कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता और यूनुस के साथ इस हदीस को अशास बिन अब्दुल्ला ने भी इमाम हसन बसरी से रिवायत किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार अड़तालीस बिन मुसलमा कानवी ने बयान किया उनसे इमाम मालिक ने उनसे यहाया बिन सईद ने उनसे उमरा बिन ते अब्दुलरमान ने और उनसे नबी करीम सल वसलम की जोज मुताहरा आयशा रदी अल्लाह तहा ने एक यहूदी औरत के पास मांगने के लिए आई और उसने दुआ दी कि अल्लाह आपको बचाए हजरत आयूल से पूछा कि क्या लोगों को कब्र में आजाब होगा इस पर आप सल्लाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ सही बुखारी हदीस नंबर एक फिर एक मरतबा सुबह को कहीं जाने के लिए रसुल्ल व सवार हुए उसके बाद सूरज ग्रहण लगा आप वसलम दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हुजरों से गुजरते हुए मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो गए साहबा रजा ने भी आपकी इक्तदा में नीयत बाँध ली आप वसलम ने बहुत ही लम्बा क़्याम किया फिर रुकू भी बहुत तवील किया उसके बाद खड़े हुए अब की दफा क्याम फिर लंबा किया लेकिन पहले से कुछ कम फिर रुकू किया और इस दफा भी देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले रुकू से कुछ कम फिर रुकू से सर उठाया और सजदे में गए अब आप फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क्याम किया लेकिन पहले क्याम से कुछ कम फिर एक लंबा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कुछ कम फिर रुकू से सर उठाया और कयाम में अब की दफ़ा भी बहुत देर तक रहे लेकिन पहले से कम देर तक चौथी मरतबा फिर रुकू किया और बहुत देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले से मुख्तर रुकू से सर उठाया तो सजदे में चले गए आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज पूरी कर ली इसके बाद अल्लाह तुम चाहा आपने फरमाया इसी खुतबे में आपने लोगों को हिदायत फरमाई के अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगे सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार पचास शेबान बिन ने इबन कसीर से बयान किया उनसे, बिन बिन ने। उनसे अब्दुल्ला बिन ने। कि जब नबी करीम सलम के जमाने में सूरज को ग्रहण लगा तो ऐलान हुआ कि नमाज होने वाली है उस नमाज में नबी करीम सकत में दो रुकू किए और फिर दूसरी रकत में भी दो रुकू किए इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे कायदा में यहाँ तक कि सूरज साफ हो गया अब्दुल्लाह ने कहा हजरत आयशा रंबा सजदा और कभी नहीं किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार इक्यावन अताबिन यसार ने बयान किया

लेकिन पहले से कुछ कम फिर एक दूसरा लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कुछ कम था फिर आप वसल्लम सजदे में गए सजदे से उठकर फिर लंबा क़याम किया लेकिन पहले क़याम के मुकाबले में कम लंबा था फिर एक लंबा रुकू किया ये रुकू भी पहले रुकू के मुकाबले में कम था रुकू से सर उठाने के बाद फिर अलैहि वसल्लम बहुत देर तक खड़े रहे और ये क़्याम भी पहले से मुख्तर था फिर चौथा रुकू किया ये भी बहुत लंबा था लेकिन पहले से कुछ कम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और नमाज से फारग हुए तो सूरज साफ हो चुका था इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और किसी की मौत ज़िंदगी की वजह से इनमें ग्रहण नहीं लगता इसलिए जब तुमको मालूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह ताला का जिक्र करो साहबर अद्लाह ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमने देखा कि नमाज में अपनी जगह से आप आगे बढ़े और फिर उसके बाद पीछे हट गए आपने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी और उसका एक खोशा तोड़ना चाहा था अगर मैं उसे तोड़ सकता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते और मुझे जहन्नुम भी दिखाई गई मैंने इससे ज्यादा भयानक और खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा मैंने देखा इसमें औरतें ज्यादा हैं किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम इसकी क्या वजह है आपने फरमाया कि अपने कुफ्र इनकार की वजह से पूछा गया क्या अल्लाह का कुफ्र काफ़्रकार करती हैं आप है वसल्लम ने फरमाया कि शोहर और एहसान का कुफ्र करती हैं जिंदगी भर तुम किसी औरत के साथ हुस्न सलूक करो लेकिन कभी अगर कोई खिलाफी मिजाज बात आ गई तो फौरन यही कहेगी कि मैंने तुमसे कभी भलाई नहीं देखी सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार बावन इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें हिशाम बिन औरवा ने उन्हें उनकी बीवी फातमा बिनते मंजर ने उन्हें असमा बिनते अबी बकर रद्ला ने उन्होंने कहा कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रदी के घर आई अचानक लोग घड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे और आयशा रद्ला भी नमाज में शरीक थी मैंने पूछा कि लोगों को बात क्या पेश आई इस पर आपने आसमान की तरफ इशारा करके सुबहानल्ला कहा फिर मैंने पूछा क्या कोई निशानी है इसका आपने इशारे से हाँ में जवाब दिया उन्होंने बयान किया कि फिर मैं भी खड़ी हो गई लेकिन मुझे चक्कर आ गया इसलिए मैं अपने सर पर पानी डालने लगी जब रसूल्ला सल्ला वसलम नमाज से फारग हुए तो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया कि वो चीज़ें जो कि मैंने पहले नहीं देखी थीं अब इन्हें मैंने अपनी इसी जगह से देख लिया जन्नत और दो जख्त तक मैंने देखी और मुझे वही के जरिए बताया गया है कि तुम कब्र में दत के फ़ितने की तरह ये कहा कि दज्जाल के फितने के करीब एक फितने में मुब्तला हो गए मुझे याद नहीं कि आसमा रजी ने क्या कहा था आपने फरमाया कि तुम्हें लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस शख्स मुझ वसल्लम के बारे में तुम क्या जानते हो मोमिन या ये, ये कहा कि यकीन करने वाला मुझे याद नहीं कि इन दो बातों में से हज़रतमा ने कौन सी बात कही थी तो कहेगा ये मोहम्मद सल्लाम है आपने हमारे सामने सही रास्ता और उसके दलाइल पेश किए और हम आप पर ईमान लाए थे और आपकी बात कबूल की और आपकी इतबा की थी इस पर उससे कहा जाएगा कि तू मर्द सौले है बस आराम से सो जा हमें तो पहले ही मालूम था कि तू ईमान यकीन वाला है मुनाफिक या शक करने वाला मुझे मालूम नहीं कि हज़रत ने क्या कहा था वो ये कहेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने लोगों से एक बात सुनी थी वही मैंने भी कही आगे मुझको हकीकत मालूम नहीं सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार तिरपन जायदा ने है शाम से बयान किया उनसे फातिमा ने उनसे असम रद्ला ने के रसुल्लाम ने सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फरमाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार चौवन इमाम मालिक ने याहिजा बिन सईद अंसारी से बयान किया उनसे उम्र बिनते अब्दरमान ने उनसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ारद्ला ने कि एक यहूदी औरत उनके पास कुछ मांगने आई उसने कहा कि आपको अल्लाह ताला कब्र के अजाब से बचाए उन्होंने नबी करीम सल्लासम से पूछा कि क्या क़ब्र में भी अज़ाब होगा आज़ूर सलील्ह वसलम ने ये सुनकर फरमाया कि मैं खुदा की इससे पनाह मांगता हूँ सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पचपन अबू मसूद अकबा नामिर अंसारी सहाबी सहाबिर ने बयान किया कि रसूल सल्लास ने फरमाया सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं लगता अलबत् ये दोनों अल्लाह तीन निशानियाँ हैं इसलिए जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सत्तावन ने खबर दी उन्हें जहरी और हिशाम बिन, ने। उन्हें, बिन ने उन्हें हजरत आयशा सिद्दीक के, के जमान मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लाम खड़े हुए और लोगों के साथ नमाज में मशगोल हो गए आप सल्लाम ने लंबी करत की फिर रुकू किया और यह भी बहुत लंबा था फिर सर उठाया और इस मर्तबा भी देर तक करत की मगर पहली करत से कम इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा रुकू किया बहुत लंबा लेकिन पहले के मुकाबले में मुख्तसर, फिर रुकू से सर उठाकर आप सजदे में चले गए और दो सजदे किए फिर खड़े हुए और दूसरी रकत में भी इसी तरह किया जैसे पहली रकत में कर चुके थे इसके बाद फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत हयात से नहीं रखता अलबत् दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं, जिन्हें अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाता है इसलिए जब तुम इन्हें देखो तो फौरन नमाज के लिए दौड़ो। सही बुखारी हदीस नंबर एक अबू उसामा ने बयान किया उनसे बरीद बिन अब्दुल्ला ने उनसे अबू बर्दा ने उनसे अबू मूसा आशारी रद्लों ने कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अक्रम सल्ला बहुत घबरा कर उठे इस डर से कि कहीं ना कायम हो जाए आप ने मस्जिद में आकर बहुत ही लम्बा कयाम, लम्बा रुकू और लम्बे सजदों के साथ नमाज पढ़ी मैंने कभी आप को इस तरह करते नहीं देखा था आप अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया कि ये निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है ये किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं आती बल्कि अल्लाह ताला इनके जरिए अपने बंदों को डराता है इसलिए जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फौरन अल्लाह ताला के जिक्र और उससे इस्तफार की तरफ लपको सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार उनसठ ज़याद बिन अलाका ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने मुग़रा बिन शोबा रजी अल्लाह से सुना कि उन्होंने कहा कि जिस दिन इब्राहीम रज्ला की मौत हुई सूरज ग्रहण उसी दिन लगा इस पर बाज़ लोगों ने कहा कि ग्रहण इब्राहिम इब्राहीम ऱिला आज़ूर सल अल्लाह वसलम के साहबजादे की वफ़ात की वजह से लगा है रसूल सल्लाम सल ने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला में निशानियों में से दो निशान हैं इनमें ग्रहण किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं लगता जब इसे देखो तो अल्लाह पाक से दुआ करो और नमाज पढ़ो ताकि सूरज साफ हो जाए सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार साठ फातमा बिन मुंजर ने खबर दी उनसे हजरत असम बिनते अबी बकर ने उनसे हज़रतम बिनते अबी बकर रज़ील्हा फ़रमाया कि जब सूरज साफ हो गया तो रसूल ल्लाह सल सल्लास नमाज से फारग हुए और आपने खुतबा दिया पहले अल्लाह ती शान के मुताबिक उसकी तारीफ़ की उसके बाद फरमाया अम्माबाद सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार इकसठ सईद बिन आमिर ने बयान किया और उनसे शोबा ने उनसे यूनुस ने उनसे इमाम हसन बसरी ने और उनसे अबू बकरारद्लान्हों ने फरमाया कि रसूल सल सल्हु वसम के अहद मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल सल् वसम ने दो रकत नमाज पढ़ी थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार बासठ यूनुस ने बयान किया उनसे इमाम हसन बसरी ने उनसे अबू बकरा ने कि रसूल वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादर घसीटते हुए बड़ी तेज़ी से मस्जिद में पहुँचे सहाबा भी जमा हो गए फिर आपने उन्हें दो रकत नमाज़ पढ़ाई ग्रहण भी ख़त्म हो गया इसके बाद आपने फ़रमाया कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं और इनमें ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता इसलिए जब ग्रहण लगे तो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक ये साफ न हो जाए ये आपने इसलिए फरमाया कि नबी करीम वसल्लम के एक साहबजादे इब्राहिम रदी अल्ला की वफात उसी दिन हुई थी और बाज लोग इनके मतलब कहने लगे कि ग्रहण इनकी मौत पर लगा है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार तिरसठ सुफियान सूरी ने बयान किया उनसे याहिया बिन सईद अंसारी ने उनसे उमराह ने उनसे हज़रत आयशा आयशर ने कि नबी करीम सल्हस ने सूरज ग्रहण की दो रकतों में चार रुकू किए और पहली रकत दूसरी रकत से लंबी थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार चौंसठ अब्दुलरहमान बिन नवर ने बयान किया अबू इसहाक ने कहा कि मैंने यसवद से सुना उन्होंने अब्दुल्लह बिन मसूद रद्हों से कि मक्के में नबी करीम सल्हु वसल्लम ने सूर नजम की तलावत की और सजद तलावत किया आपके पास जितने आदमी थे मुसलमान और काफर उन सब ने भी आपके साथ सजदा किया अलबत्त एक बूढ़ा शख्स उमैया बिन खलफ़ अपने हाथ में कंकरी या मिट्टी उठाकर अपनी पेशानी तक ले गया और कहा मेरे लिए यही काफ़ी है मैंने देखा कि बाद में वो बूढ़ा काफर ही रहकर मारा गया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सड़सठ सुफियान सूरी ने साद बिन इब्राहीम बिन अब्दुल रहमान बिन औफ से बयान किया उनसे अब्दुल रहमान बिन हरमज आरज ने उनसे अबू हुरेरा रदी अल्लाह तु ने कि नबी करीम अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन फजर की नमाज में अलफ लामी तंजीलो सचदा और हल अता अल इंसान सूर दहर पढ़ा करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार अड़सठ सलेमान बिन हरब और अबू नौमान बिन फजल ने बयान किया इन दोनों ने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया इनसे अयूब ने बयान किया इनसे अकरमा ने बयान किया और इनसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ने फरमाया स्वाद का सजदा कुछ ताक़ीदी सजदों में से नहीं है और मैंने नबी करीम वसल्लम को सजदा करते हुए देखा सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार उनहत्तर शोबा ने अबू इसहाक से बयान किया उनसे असवद ने उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद रद्ला ने कि नबी करीम सल्हुसम ने सूर नज्म की तलावत की और इसमें सजदा किया उस वक्त कौम का कोई फ़र्द मुसलमान और काफर भी ऐसा न था जिसने सजदा न किया हो अलबत् एक शख्स ने हाथ में कंकरी या मिट्टी लेकर अपने चेहरे तक उठाई और कहा कि मेरे लिए यही काफ़ी है अब्दुल्ला बिन मसूद रदील्ला ने कहा कि बाद में मैंने देखा कि वो कुफर की हालत ही में कत्ल हुआ सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सत्तर ऐब सख्तियानी ने बयान किया उनसे आक्रमा ने उनसे इबन अब्बास रद्हों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नज्म में सजदा किया तो मुसलमानों मुशरिकों और इंस सब ने आपके साथ सजदा किया इस हदीस की रिवायत इब्राहिम बिन तहमान ने भी अयूब सख्तियानी से की है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार इकहत्तर यजीद बिन खसीफ़ा ने ख़बर दी उन्हें यजीद बिन अब्दुल्लाह इब्न कसीत ने और उन्हें आता बिन यसार ने कि उन्होंने ज़ैद बिन साबित रद्हों से सवाल किया आपने यकीन के साथ इस अमर का इजहार किया कि नबी अलैहि वसल्लम के सामने सूर नजम की तलावत आपने की थी और आ हज़ूर सल्ला वसलम ने उसमें सजदा नहीं किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार बहत्तर यजीद बिन अब्दुल्ला बिन कसीत ने बयान किया उनसे आता बिन अताबिनार ने उनसे जैद बिन साबित रजी अल्लाह ने कहा कि मैंने रसूल के सामने नज्म की तलावत की और आप सल्ला सल ने इसमें सजदा नहीं किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार तिहत्तर हिशाम बिन अभी अब्दुल्ला दस्तवाई ने बयान किया उनसे याहिया बिन अबी कसीर ने उनसे सलमा ने कहा कि मैंने अबू हरे रजी अल्लाह को सूरह इज़ समाउन शक्कत पढ़ते देखा आपने इसमें सजदा किया मैंने कहा कि या अबा हुरर क्या मैंने आपको सजदा करते हुए नहीं देखा है आपने कहा कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते न देखता तो मैं भी न करता सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार चौहत्तर नाफ़े ने बयान किया उनसे इबन उमर रदी ने कहा कि नबी करीम सल्हस हमारी मौजूदगी में आयत सजदा पढ़ते और सजदा करते तो हम भी आपके साथ हजूम की वजह से इस तरह सजदा करते कि पेशानी रखने की जगह भी न मिलती जिस पर सजदा करते सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पिछहत्तर उमरी ने खबर दी उन्हें नाफ़े ने और नाफ़े को इबन उमर रद्हों ने कि नबी करीम आयत सजदा की तलावत अगर हमारी मौजूदगी में करते तो आपके साथ हम भी सजदा करते थे उस वक्त इतना अशदहाम हो जाता कि सजदे के लिए पेशानी रखने की भी जगह न मिलती जिस पर सजदा करने वाला सजदा कर सके सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छिहत्तर अबू बकर बिन नबी मलीका ने ख़बर दी उन्हें उस्मान बिन रहमान तयमी ने और उन्हें रबिया बिन अब्दुल्लाह बिन हदेर तयमी ने कहा कि अबू बकर बिन नबी मलीका ने बयान किया कि रबिया बहुत अच्छे लोगों में से थे रबिया ने वो हाल बयान किया जो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह की मजलिस में उन्होंने देखा हज़रतमर रदी अल्लाह ने जुम्मे के दिन मम्बर पर सूर नाहल पढ़ी जब सजदे की आयत वलिल यस जदूमाफ़ी समावत आखिर तक पहुँचे तो मिंबर से उतरे और सजदे किए तो लोगों ने भी उनके साथ सजदा किया दूसरे जुम्मे को फिर यही सूरत पढ़ी जब सजदे की आयत पर पहुँचे तो कहने लगे लोगो हम सजदे की आयत पढ़ते चले जाते हैं फिर जो कोई सजदा करे उसने अच्छा किया और जो कोई ना करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं और हज़रतमर रदील्ल् ने सजदा नहीं किया और नाफ़े ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रद्ला से नकल किया कि अल्लाह तलावत फर्ज नहीं किया हमारी खुशी पर रखा सही बुखारी हदीस एक हजार सतर बकर बिन अब्दुल्ला मजनी ने बयान किया उनसे अबू राफे ने कहा कि मैंने अबू हुरेरा रद्ला के साथ नमाज ईशा पढ़ी आपने इज़्ज़त समाउन शक्क़त की तलावत की और सजदा किया मैंने अर्ज़ किया कि आपने ये क्या किया उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैंने इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सजदा किया था और हमेशा सजदा करता रहूँगा ताके आपसे जा मिलूँ हदीस बुखारी एक हज़ार अठहत्तर शाहजा बिन सईद कतान ने बयान किया उनसे ने उनसे नाफ़े ने और उनसे इब्ने उमर रदील्ला कि नबी करीम सल्लाम किसी ऐसी सूरत की तिलावत करते जिसमें सजदा होता फिर आप सजदा करते और हम भी आपके साथ सजदा करते यहाँ तक कि हम में किसी को अपनी पेशानी रखने की जगह न मिलती मालूम हुआ कि ऐसी हालत में सजदा न किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है वल्लाह आलम सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार उनासी